कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर दो कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर। इसको बड़ी बारीकी से समझते हैं। देखिए, थ्योरेटिकल पार्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे तो आगे काम अच्छे से हो पाएगा। बहुत ज्यादा डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में ध्यान में रखना है, कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में हम ये पढ़ना है कि कंप्यूटर जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पहला है हार्डवेयर दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उनको बोलते हैं जिन पार्ट्स को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, विच इज टैंजिबल। कंप्यूटर के उन सभी पार्ट को जिसको आप देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो सब क्या है, हार्डवेयर है। चाहे उसके अंदर का पार्ट हो, जैसे कि SMPS हो, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, अब बाहरी आउटलुक में ले लें UPS, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे पार्ट्स क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे। दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जनरली वो पार्ट होते हैं जो इनटेंजिबल है, विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जस्ट वी कैन यूज दैट। वो कंप्यूटर में कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे, चाहे इंटरनल पार्ट में या एक्सटर्नल पार्ट में, उसको आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इसको एक लैंग्वेज के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे पाते हैं। इसके बारे में डिटेल एक हम समरी वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू आप देखते चले, मैं आपको श्योर करता हूं ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कभी आप जिंदगी में इसको आप नहीं भूलेंगे, मैं इतने अच्छे से आपको बताता हूं। लेकिन फिलहाल आप इंट्रोडक्शन देखते चले। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है एज ए लैंग्वेज, जिसको आप लैंग्वेज के रूप में, कंप्यूटर के लैंग्वेज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का दो कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो पार्ट जिसको हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जस्ट वी कैन यूज दैट। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का लैंग्वेज। जैसे मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक लैंग्वेज के रूप में कंसीडर किया जाता है। लैंग्वेज भाषा, जैसे हिंदी इंग्लिश भाषा हम बोलते हैं, कंप्यूटर के वैसे बहुत सारे भाषा डेवलप हुए, उसमें से कुछ हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, उसमें कैटेगराइज किया गया था सारी भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो इतने सारे भाषा के प्रयोग से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और डेवलपमेंट होता गया, और अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन में चल रहे हैं। आगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम जब पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो भाषा है हमारा कंप्यूटर का, जो लैंग्वेज है, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे।